हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे स्टार्टिंग जीके के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे लोदी एंड सैयद डायनेस्टी और उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर वन आप सभी की स्क्रीन्स पर। क्वेश्चन नंबर वन, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें कुछ डायनेस्टीज़ के नाम गिवन है और हमें उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि कौन सी सबसे पहले आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी और उसके बाद कौन सी आई थी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी डायनेस्टीज़ हमें अवेलेबल है। वन तुगलक्स, टू लोदीज, थ्री सैयद्स, फोर इलबारी टर्क्स और फिफ्थ खिलजीज। अब हमें अरेंज करना है कि इनमें से सबसे पहले कौन सी आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी और उसके बाद कौन सी आई थी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन डी, दैट इज़ फोर, यानी कि सबसे पहले इलबारी टर्क्स, देन उसके बाद खिलजीज, उसके बाद तुगलक्स, उसके बाद हमारी सैयद और लास्ट में हमारी लोदी डायनेस्टी की बात की गई है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कब आई थी। तो अगर हम इसमें बात करें तो जो हमारी खिलजी डायनेस्टी थी, जो हमारी खिलजी डायनेस्टी थी वो आई थी 1290 से लेकर 1320 तक। ऐसे ही अगर हम बात करें लोदी डायनेस्टी की, तो लोदी डायनेस्टी आई थी 1451 से 1526 के बीच में। अगर हम बात करें सैयद डायनेस्टी की, तो 1414 से आई थी 1451 तक। अगर हम बात करें अपनी तुगलक डायनेस्टी की, तो वो आई थी 1320 से लेकर 1414 तक। और अगर हम बात करें अपनी स्लेव डायनेस्टी की, तो जो स्लेव डायनेस्टी है वो आई थी 1206 से 1290 तक। तो ये थे हमारी सारी डायनेस्टी। सबसे पहले हमारे पास आई थी, सबसे पहले इंडिया में आए थे इलबारी टर्क्स, देन उसके बाद आए थे हमारे खिलजीज, देन उसके बाद आई थी तुगलक्स और उसके बाद आए थे सैयद्स और लास्ट में आई थी लोदीज, जिसमें लास्ट रूरल था जो हमारा इब्राहिम लोदी, जिसका बाबर के साथ हुआ था युद्ध, यानी कि बाबर के साथ हुई थी जंग जिसमें हुई थी बाबर की जीत और इन डायनेस्टीज़ का हुआ था एंड। चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ लोदी डायनेस्टी। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जब डिस्कस कर रहे थे तब मैंने लास्ट रूलर ही बताया था लोदी डायनेस्टी का। तो अगर हम बात करें ऑप्शंस की, तो हमारे पास ऑप्शन है ए बहलोल लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी दौलत खान लोदी या फिर डी सिकंदर लोदी। अगर हम बात करें यहाँ पर राइट आंसर की, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ इब्राहिम लोदी। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी जब मैं डायनेस्टीज़ के बारे में डिस्कस कर रही थी तब भी मैंने बताया था कि जो इब्राहिम लोदी थे इनका बाबर के साथ हुआ था युद्ध, यानी बाबर के साथ हुई थी इनकी एक जंग 1526 में, जिसमें इनकी हुई थी डिफ़ीट और बाबर को मिली थी विक्ट्री, यानी कि बाबर जीते थे और इसी के बाद से हुआ था मुग़ल एम्पायर इंडिया में स्टार्ट। तो बेसिकली जो इन दोनों के बीच जो फाइट हुई थी वो था बैटल ऑफ पानीपत वन, विच वॉज फॉट इन 1526 बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री, Who was the founder of the city of Agra? Question number थ्री हमसे पूछ रहा है कि आगरा सिटी का founder कौन था। तो यहाँ पर हमारे options है option A फिरोज तुगलक, option B मोहम्मद बिन तुगलक, option C अलाउद्दीन खिलजी या फिर option D सिकंदर लोदी। तो यहाँ पर हमारा right answer बन जाएगा option D, that is सिकंदर लोदी। जो सिकंदर लोदी थे उन्होंने आगरा सिटी को फाउंड करा था, मतलब कि उन्होंने आगरा सिटी को ढूंढा था 1504 में। और अगर हम बात करें इन्हीं की, तो सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा सिटी को ढूंढा एंड 1506 में ही मेड आगरा हिज कैपिटल, ही मेड आगरा हिज कैपिटल।
चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, हु गॉट द मॉन्यूमेंटल रायगोपुरम्स इन द फ्रंट ऑफ द टेम्पल्स ऑफ हम्पी तिरुपति एक्सेट्रा कंस्ट्रक्टेड। मतलब कि जो रायगोपुरम्स थे वो किसने, कौन से ऐसे किंग ने बनाए थे हम्पी तिरुपति और ऐसी ऐसी जगहों के आगे, यानी कि इन फ्रंट ऑफ दीज टेम्पल्स। तो चलिए देखते हैं हम अपने ऑप्शंस। ऑप्शंस है विद्यारण्या, ऑप्शन बी कृष्ण देवराय, ऑप्शन सी हरिहरा, या फिर ऑप्शन डी राजा राज। तो चलिए बढ़ते हैं हम इसके आंसर की तरफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कृष्ण देवराय। कृष्ण देवराय ने ये हम्पी तिरुपति और ऐसे मॉन्यूमेंट, ऐसे टेम्पल्स के आगे राया गोपुरम्स बनाए थे। अगर हम बात करें कृष्ण देवराय की, तो जो कृष्ण देवराय हैं वो बिलोंग करते हैं तुलुवा डायनेस्टी से। वो बिलोंग करते हैं तुलुवा डायनेस्टी से। ये हमारा राइट आंसर था, ये बिलोंग करते हैं तुलुवा डायनेस्टी से, क्योंकि ये काफ़ी फेमस रूरल हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। अब अगर हम बात करें कृष्ण देवराय ने जो ये राया गोपुरम्स बनाए थे, तो बेसिकली जो ये राया गोपुरम होते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रेट ग्रैंड एंट्रेंस टावर, यानी कि इन टेम्पल्स के आगे एकदम बड़े बड़े आलीशान से एंट्रेंस टावर्स बनाए गए थे। अब अगर हम बात करें कि ये जो हम्पी है, जो टेम्पल एट हम्पी है, तो हम्पी विजयनगर का प्रेजेंट डे नेम है। हम्पी विजयनगर को बोला जाता है। और जो ये विजयनगर यानी कि ये जो हम्पी है ये है कर्नाटका में। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट डे नेम ऑफ विजयनगर, तो वो है हम्पी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वेयर इज़ हम्पी लोकेटेड, तो उसका भी राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। अगर हम बात करें कृष्णदेवराय की, तो ये काफ़ी फेमस किंग माने जाते हैं तुलुवा डायनेस्टी के। और इनकी फेमस में सबसे अच्छी चीज़ एक ये भी मानी जाती है कि बेसिकली इन्होंने पोर्टुगीज़ के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस बनाए थे। इन्होंने पोर्टुगीज़ के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस बनाए थे, जिसकी वजह से इनको पोर्टुगीज़ ने अरेबियन हॉर्सेस और वेपन्स गिफ्ट करे थे। अरेबियन हॉर्सेस एंड वेपन्स दिए थे, जिससे इन्होंने रायचूर को सीज करा था, विच हेल्प्ड हिम इन सीजिंग रायचूर। तो ये थी हमारी कृष्णदेवराय के बारे में थोड़ी सी बातचीत। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बढ़ते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। जो विजयनगर एम्पायर था उसका डाउनफॉल किस बैटल से स्टार्ट हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बैटल ऑफ तालीकोटा। इसका राइट आंसर है बैटल ऑफ तालीकोटा। अगर हम इस बैटल के बारे में बात करें तो ये किसके बीच में फाइट हुआ था? ये फाइट हुआ था जो सादा शिवा राय थे, वो विजयनगर से थे, जिनकी इसमें हार हुई थी, एंड किसके बीच में? डेकन सल्तनत के बीच में, डेकन सल्तनत और सदा शिवा राय जो कि विजयनगर से बिलोंग करते थे उनके बीच में हुआ था। और ये जो सदा शिवा राय थे ये वाला जो बैटल था वो हार गए थे। और इस बैटल में हारने में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व थे, जिसमें से एक बहुत मेजर फैक्टर था बिट्रेयल ऑफ, यानी कि धोखा देना, ऑफ गिलानी ब्रदर्स। जो गिलानी ब्रदर्स थे उन्होंने एक तरीके से इसमें धोखा दिया अपने ही किंग को। जो गिलानी ब्रदर्स थे वो बेसिकली की कमांडर्स थे विजयनगर के, दे वर दी की कमांडर्स ऑफ विजयनगर, और उन्होंने अपने किंग को धोखा दिया जिसकी वजह से वो बैटल हार गए।
और दिस बैटल लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द विजयनगर एम्पायर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। आपको ऑप्शंस में कुछ पेयर्स दिए गए हैं जो कि ट्रैवलर्स के नाम हैं जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री में इंडिया में विजिट करा है, और हमें दिया गया है कि वो कौन सी जगह से बिलोंग करते थे। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस और बताते हैं कि इनमें से कौन सा है इनकरेक्ट। ऑप्शन ए हाइन सांग चाइना, बी इब्न बतूता ही बिलोंग्स टू मोरोको, सी मेगास्थिनीस ग्रीस से, या फिर डी फाहिन मलेशिया से। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है गलत। अगर हम बात करें हेंग सांग की तो वो चाइना से ही बिलोंग करते थे, इब्न बतूता मोरक्को से करते थे, और मेगास्थिनीस ग्रीस से करते थे, पर जो फाहिन थे वो चाइना से बिलोंग करते थे, ना कि मलेशिया से। आपसे क्वेश्चन में फाहिन के अलावा भी इब्न बतूता, मेगास्थिनीस, ऐसे किसी भी ट्रैवलर का पूछा जा सकता है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते थे, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि जो ये फाहिन थे ये कब आए थे, ये चंद्रगुप्त टू के टाइम पे इंडिया इन्होंने विजिट करा था, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे इन्होंने इंडिया में विजिट करा था, एंड ही वॉज अ बुद्धिस्ट मॉन्क। ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, तो बेसिकली ये इंडिया में बुद्धिज़्म ही स्प्रेड करने आए थे। और ऐसे ही अगर हम एक और ट्रैवलर की बात करें जो कि इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी फेमस है, वो है मार्को पोलो, मार्को पोलो एंड ही बिलोंग्स टू इटली। मार्को पोलो इटली से बिलोंग करते थे, ऐसे ही इब्न बतूता, मेगास्थिनीस, आपसे किसी भी ट्रैवलर के बारे में पता पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन, प्रिंस खुर्रम वॉज द नेम ऑफ द फ्यूचर एम्परर। आपको नीचे कुछ फ्यूचर एम्परर्स के नेम गिवन है, आपको बताना है कि प्रिंस खुर्रम इसमें से किस एम्परर का नाम था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, जो शाहजहाँ थे जिन्होंने ताजमहल बनवाया है उनका नाम था प्रिंस खुर्रम, उनका नाम था प्रिंस खुर्रम। अगर हम बात करें शाहजहाँ के बारे में तो ये काफ़ी फेमस मुगल एम्परर में से एक हैं। ये जहांगीर एंड जोधा भाई के सन थे, इनकी वाइफ का नाम नूरजहाँ था, जिसकी मेमोरी में इन्होंने ताजमहल बनाया था, एंड ही वॉज इम्प्रिजन फॉर हिज होल लाइफ, by his own son Aurangzeb। तो अगर इनके फादर मदर की बात करें तो वो थे जहांगीर और जोधाबाई, अगर इनकी वाइफ की बात करें तो उनमें से एक थी नूरजहाँ, जिनकी मेमोरी में ताजमहल बनाया गया था। और अगर बात करें इनके एक बेटे की, जो कि औरंगज़ेब है, जिसने शाहजहाँ के बाद मुग़ल एम्पायर में रूल करा था, उन्होंने इनको इम्प्रिजन करा था फॉर हिज होल लाइफ, उनका नाम है औरंगज़ेब। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ कुशन एम्पायर। कुशन एम्पायर का फाउंडर कौन था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज कुजूला कादफिशेस, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द कुशन डायनेस्टी। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ, गोल गुम्बस वॉज बिल्ट इन विच सेंचुरी। जो गोल गुम्बस है वो किस सेंचुरी में बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 17th सेंचुरी में गोल गुम्बस बना था। अगर हम बात करें गोल गुम्बस की, तो जो गोल गुम्बस है वो है बीजापुर, कर्नाटका में, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि वेयर इज गोल गुम्बक सिचुएटेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर, कर्नाटका, ये बनाया था 17th सेंचुरी में। ऐसे ही अगर हम और इम्पॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की बात करें, तो ऐसे ही एक है बुलंद दरवाज़ा,
जो कि काफ़ी फेमस है और इसका भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है यूपी में एंड इट वॉज बिल्ड बाय अकबर इन फतेहपुर सिकरी। जो अकबर थे उन्होंने इसको बनाया था यूपी में फतेहपुर सिकरी के अंदर। ऐसी अगर हम बात करें चार मीनार की, तो चार मीनार भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी मॉन्यूमेंट में से एक है। ये है हैदराबाद में, ये है हैदराबाद में और इसे बनाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने चार मीनार को बनाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है वेयर इज चार मीनार लोकेटेड, या फिर हु बिल्ट दी चार मीनार, या फिर हु बिल्ट दी बुलंद दरवाज़ा एंड वेयर इज बुलंद दरवाज़ा लोकेटेड। तो आपको इसके अब राइट आंसर्स पता हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इंडियन मुगल पेंटिंग्स ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ विच मुगल एम्परर। कौन से मुगल एम्परर के टाइम पर जो इंडियन मुगल पेंटिंग्स थी वो ओरिजिनेट हुई थी। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए हुमायूं। अगर हम बात करें इंडियन मुगल पेंटिंग्स की, तो इसका ओरिजिनेट करा था हुमायूं ने, बट जो ये पेंटिंग्स हैं ये अपनी हाईएस्ट लेवल यानी कि द पेंटिंग्स रीच्ड देयर जेनिट इन दी रेन ऑफ जहांगीर। मतलब जहांगीर के ड्रीम के टाइम यानी जहांगीर के रूल के टाइम पे जो ये मुगल पेंटिंग्स हैं रीच्ड एट देयर हाइएस्ट पॉइंट, रीच्ड एट देयर हाइएस्ट पॉइंट, बट इनको ओरिजिनेट करा था हुमायूं ने। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, द अरेबिक वर्क ऑफ अल बरूनी दैट गेव एन अकाउंट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड। जो अरेबिक वर्क था अल बरूनी का, उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए किताब अल हिंद। जो किताब अल हिंद है वो अल बरूनी द्वारा लिखी गई है और वो एक अरेबिक वर्क है। अगर हम बात करें अल बरूनी की, तो ये जो अल बरूनी है ये एक अरेबिक स्कॉलर है। ही इज़ एन अरेबिक स्कॉलर जो इंडिया में हु केम टू इंडिया विद महमूद ऑफ गजनी। बहुत ही इम्पोर्टेंट रह चुके हैं हमारी हिस्ट्री में और इनके साथ में आए थे अल बरूनी। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, इन 1528 हु डिफीटेड दी राजपूत्स ऑफ चंदेरी। चंदेरी के राजपूत्स को किसने डिफीट करा था 1528 में। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ बाबर। बाबर ने राजपूत्स ऑफ चंदेरी को डिफीट करा था 1528 में। बात करते हैं हम बाबर की, तो बाबर फर्स्ट मुगल एम्परर हैं जो 1526 में इंडिया आए थे और इन्होंने सबसे पहले लड़ा था बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें इनकी हुई थी विक्ट्री। और ये जो बैटल ऑफ पानीपत है ये इन्होंने लड़ा था इब्राहिम लोदी से, और इससे हुई थी लोदी डायनेस्टी का एंड और मुगल डायनेस्टी की शुरुआत। अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर ने 4 कंजेकेटिव बैटल्स लड़े हैं 4 सालों में एंड उन चारों बैटल्स में बाबर की हुई थी विक्ट्री। 1527 में बाबर ने लड़ा था बैटल ऑफ कानवा जो कि था राणा सांगा के साथ में, जिसमें भी बाबर की विक्ट्री हुई थी। ऐसे ही 1528 में उन्होंने राजपूत्स ऑफ चंदेरी को हराया था और उस बैटल का नाम है बैटल ऑफ चांदेरी, जिसके बारे में हमारा ये क्वेश्चन था। ऐसे ही अगर हम बात करें 1529 की, तो वो था बैटल ऑफ घाघरा जिसमें
विक्ट्री हुई थी बाबर की, और ये था महमूद लोदी के साथ में, महमूद लोदी के साथ में था ये वाला बैटल जिसमें इनकी हुई थी हार और बाबर की हुई थी विक्ट्री। तो बाबर ने 4 बैटल्स जीते हैं कंसेक्यूटिवली 1526 से 1529 में, एंड बाबर वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर जिन्होंने मुगल डायनेस्टी की एक तरीके से करी थी शुरुआत। चलिए बढ़ते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी वॉज बिल्ट बाय, हमने अभी हम्पी के बारे में बात करी थी, हम्पी है प्रेजेंट डे विजयनगर का नाम। जो हम्पी में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है वो किसने बिल्ट करे थे? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिहरा एंड बुक्का। जो हरिहरा एंड बुक्का है उन्होंने ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स बिल्ट करे थे हम्पी में। और अगर हम बात करें कि ये जो हरिहरा बुक्का है तो दे वर दी फाउंडर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी, दे वर दी फाउंडर ऑफ विजयनगर डायनेस्टी। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लोधी और सैयद डायनेस्टी पे। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।